सुनाइए तो मतलब क्यों आपके गांव पर झूला नहीं डाला जाता। नहीं तो अब क्या है, कोई झूलने वाला ही नहीं है ना। मैं डलवाती के कि हमारे पापा से। अच्छा, तो आपके पापा झूला डालते थे सावन में। हाँ, 8 दिन पहले। अच्छा, तो मतलब कि ऐसा लगता है कि आपके पापा आपको ज्यादा प्यार करते थे। अपनी जान से ज्यादा मुँह चाहते हमारे पापा। हाँ, वो आपका सही बात है, आप इकलौती हैं इसलिए। और मेरे वजह से भैया ने खूब पीटते। अच्छा, और कहा, ये मैं हमरो हेमराज भाई साहब तो पिटता ही रहते। तो आपको याद आती है आपके पापा की, याद आती है आपके पापा की। बहुत बहुत ज्यादा। सो देख लीजिए दोस्तों, लव मैरिज करने के बाद हम दोनों यहाँ गुना रहते हैं और इनके पापा और हमारे पापा हमसे संबंध मतलब ख़त्म कर चुके हैं। देखिए, आज भी समाज का जो स्तर है वो हमेशा बरकरार रहता है। अब ये दूसरी समाज की, मैं दूसरी समाज का, तो ना ही मेरे घर वालों ने एक्सेप्ट किया और ना ही इसके घर वालों ने एक्सेप्ट किया। मेरे पापा मम्मी मम्मी तो मेरी साथ, मेरी मम्मी तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन वो कभी मेरे घर पर नहीं आई दोस्तों। और ना इसके पापा भैया, या आप विश्वास नहीं करेंगे, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ये हाथ मेरा है। 9 साल हो गए, 7 साल हो गए हमारी शादी को दोस्तों। देख लीजिए, ये हाथ में राखी नहीं बंधी, जबकि मेरी चार सगी बहन है, चार सगी बहन है दोस्तों मेरी, लेकिन ये हमने इनसे शादी कर ली तो उन्होंने हमसे रिश्ता तोड़ दिया। हमारा यूट्यूबर बनने का मेन कारण यही है कि वो हमें देख नहीं पाती, लेकिन हम अगर यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे तो हो गए वो देखेंगे। यूट्यूब तो आप जानती हैं सब मोबाइलों में रहता है, तो उनका मजबूरी है देखना, तो उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए कि हम लव मैरिज करने के बाद बहुत खुश रहते हैं। और सुनाइए आप, और सुनाइए कुछ, तो आपको कितनी याद आती है आपके पापा की, बहुत ज्यादा। तो आप क्या क्या सोचती हैं मन में, क्या किया जाए? हर सावन पर रोती हूँ। हर साल देख लीजिए दोस्तों, हर सावन पर रोती है। और सुनाइए आप। सबसे ज्यादा याद आती है मुझे मेरे बड़े भैया की। लीजिए, बड़े भैया की, बड़े भैया की देख लीजिए दोस्तों, मेरी बीवी को उनके जो बड़े भैया हैं उनकी याद आती है, आती होगी दोस्तों। देखिए, परिवार परिवार सब एक रहते हैं। तो और बताइए, और किस किस की याद आती है आपको? सबकी आती है। सबकी मतलब घर में कौन कौन है आपके? घर में पापा है, मम्मी है, 3 भाई है, अच्छा, तो सबकी याद आती होगी आपको। और बड़ी भाभी है, वो तो बहुत अच्छी है। अच्छा, तो बड़ी भाभी हैं, उनकी भी याद आती है आपको। आती है, लेकिन क्या करें। सही बात है। देखिए दोस्तों, सबके अपने अलग अलग मन होते हैं। हमारी बीवी को उनके घर वालों की याद आती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और देखिए, अब बिछड़ भी नहीं सकते, और जो गुजर गया है वो तो टाइम ही था। आने वाला कल, आने वाला भविष्य, सपना ऐसा है कि उनको दिखाइए कुछ करके कि वाकई इन्होंने प्यार किया था, और ये एक मिसाल है। तो दोस्तों, हम वाकई हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम एक मिसाल बनकर बताएंगे। यूट्यूब पे हमें छाने का मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाने का हमारा एक ही कारण है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो घर वाले हैं, हमें देखना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर हम वीडियो बनाएंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि मजबूरी में हमको देखेंगे। अरे, वो नहीं देखेंगे, उनके घर वाले देखेंगे, अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे, ये देखिए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि पहले पहले जब मैं दोस्त यार मुझे लल्लू कह के बुलाते थे दोस्तों, लल्लू कह के, मेरा नाम पहले जो होते हैं प्यार से नाम लेते हैं तो कह देती हैं, इसीलिए मुझे प्यार से लोग लल्लू कहते थे। तो देखिए दोस्तों, लल्लू ही बन के रह गए, लोगों ने हमें लल्लू समझ रखा है कि ये कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, यूट्यूब पे चैनल बनाया है, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप जहाँ से देख रहे हैं, जहाँ से मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, गुना के लोग मुझे आश्चर्यचकित मानते हैं। जब मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसी जो वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये वीडियो मैं बाजार में बनाऊँगा तो आप देख लीजिएगा, झुंड मतलब कि लोगों का तांता लग जाता है मुझे देखने के लिए, जबकि मैं ऐसा कुछ खास वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं मानता हूँ, देखिए वायरल अभी वीडियो हुई नहीं है कोई सी, लेकिन फिर भी
60 70 80 व्यू आ रहे हैं हर वीडियो पर, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मतलब देख लीजिए, बहुत बड़ी बात है कि 9-9 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी जनता मेरे सब्सक्राइबर पूरी वीडियो देखते हैं दोस्तों। मतलब आप समझ लीजिए, ये देख लीजिए। थोड़ा हमारी बीवी का आज मन उदास है, क्योंकि उसके पापा मम्मी की याद आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस इतने कहना चाहूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।